नमस्कार साथियों, एनएम क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। लास्ट की जो क्लासेस थी उसके अंदर मैंने जो केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं ACFFRO की दृष्टि से, वो मैंने आपको बता दिए थे। और आज हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जो ACF और FRO में दिया गया है। और साथ ही साथ जो अभी फिलहाल फर्स्ट गेट्स की एग्जाम्स हुई थी उनमें बहुत बड़ा रोल रखा था उन्होंने, 10-10 क्वेश्चंस दोनों में से आए थे। और मैं उम्मीद करता हूँ ACF और FRO में भी ये क्वेश्चनों की श्रृंखला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। मैं आपको वापस वही बात रिपीट करना चाहूँगा, RPSC का पैटर्न फिक्स होता है, क्वेश्चंस का ट्रेंड फिक्स होता है। आप मेरे इस चैनल्स को बार बार देखें, क्वेश्चंस को बार बार देखें और क्वेश्चंस को फ्रेम करने की कोशिश करें कि इस पर इस तरीके से और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज के क्वेश्चनों की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में थोड़ा सा एग्जामिनर ने ट्रेंड को बदला है। पहले होता क्या था, हमसे जनरली 3D सीरीज के एलिमेंट्स जो हैं, यानी स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे जाते थे, क्योंकि पेपर का स्तर थोड़ा सा बढ़ाना होता है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा अलग करना होता है। तो फिर क्वेश्चंस का ट्रेंड थोड़ा सा 3D सीरीज की बजाय 4D सीरीज पर आया। 4D सीरीज आप सबको पता है इट्रियम 39 से चालू होती है। 4D सीरीज इट्रियम 39 से चालू होती है और कैडमियम 48 तक चलती है। अब इस साल आपसे जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर स्कूल लेक्चरर के अंदर क्वेश्चन आया, वो आपसे पूछा गया, आपको नायोबियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया। अब सबसे बड़ी परेशानी तो ये हुई कि ज्यादातर बच्चों को यही पता नहीं था कि नायोबियम का परमाणु क्रमांक कितना है। तो नायोबियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 41 है। 41, इसका मतलब आपको 41 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। देखें, एक एक ट्रेंड बनता है जिससे आपको काफी कुछ आइडिया हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है, तो एक फिक्स तरीका है। सबसे पहले आप आर्गन लिख दीजिए। आर्गन आपको पता है ऐसा करने पर 18 भर गए इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन 4s2 में जाएंगे और फिर उसके बाद 3d में जाएंगे, क्योंकि हम सब n+l नियम पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पहले उनमें भरे जाते हैं जिनके लिए n+l का मान कम आता है, और यदि किन्हीं दो उपकोषों के लिए n+l का मान समान आए तो फिर पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाता है जिसके लिए n का मान कम है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। तो स्कैंडियम 21 से जिंक तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का तरीका यही होता है, पहले आर्गन लिख दीजिए 18, 4s2 20, और फिर 3d में आप भरते जाइए, 21 का 3d1, 22 का 3d2, 3d3। वो बात अलग है, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शंस आते हैं। क्रोमियम में D4 का D5 हो जाता है, कॉपर में D9 का D10 हो जाता है। आपसे पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा था PD, याद करें, निकेल वाली सीरीज में नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, निकेल PDPT। मैंने आपसे कहा था PD में D8 का D10 हो जाता है और PT में D8 का D9 हो जाता है। अब हमसे नायोबियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया। अब ये वाला जो तरीका है ये तो 3D सीरीज का है, और 4D सीरीज का तरीका क्या होता है, आर्गन की जगह आप क्रिप्टॉन लिख दीजिए, जिससे यहां तक हमारा 36 इलेक्ट्रॉन भर जाते। जैसे यहां 4s आया तो यहां 5s आता है, और यहां 3d है तो यहां 4d आता है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4d में जा रहा है, इसीलिए आपने कहा इसे 4d सीरीज का तत्व है। ये ऊपर वाली सीरीज 3d सीरीज है और ये 4d सीरीज है। अब हमसे कहा गया कि नायोबियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरिए। अब क्या है, जब आप इट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं, तो आप NCERT की बुक्स या दूसरी बुक्स को देखेंगे तो एक चीज निकल के आएगी, इट्रियम और जिरकोनियम अपवाद नहीं है, वो तो इस चीज को फॉलो करेंगे, लेकिन परमाणु क्रमांक 41 से लेकर 47 तक के जो तत्व हैं उनके अंदर अपवाद है। अपवाद का मतलब यह है कि जनरली ट्रेंड यह होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन 5s2 और फिर 4d में भरे जाते हैं, ऐसा कि ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन परमाणु क्रमांक 41 से 47 के अंदर कई जगह अपवाद है। अपवाद का मतलब यह है कि 4s2,
ये जो 5s2 है ये 5s1 हो जाता है या कई बार 5s0 भी हो जाता है, वो आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से अपवाद ऐसे आते हैं। अभी हम क्वेश्चंस पर आते हैं। नायोबियम, नायोबियम 41 है। अब मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है, तो मेरा तरीका यह है, सबसे पहले मैं क्रिप्टॉन लिख दूंगा। मेरे दिमाग में है क्रिप्टॉन, लिखते ही मैंने 36 तो भर दिए, फिर मुझे पता है 5s2, 36 और 2 38, और फिर 38 और फिर 3 क्या 41, 43। अब आंसर ये होना चाहिए। और देखिए आश्चर्य की बात, ये ऑप्शन एक तीसरा है भी, तीसरा है भी, लेकिन नायोबियम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आंसर सही नहीं है। नायोबियम अपवाद है, उसके अंदर 5s2 5s1 में बदल जाता है और 4d3 4d4 में बदल जाता है। ध्यान रखें, केमिस्ट्री में अपवाद याद ही रखने पड़ते हैं कि जो नायोबियम है उसके अंदर 4d3 5s2 विन्यास नहीं है, बल्कि सही विन्यास 4d4 5s1 है। याद रखें, परमाणु क्रमांक 41 से 47 तक का कोई भी तत्व है तो ये अपवादों से भरे हुए हैं। अपवाद का मतलब 5s2 कन्वर्ट हो जाता है 5s1 में, 4d3 इसमें किसमें कन्वर्ट हो गया 4d4 में। इसका सटीक आंसर फर्स्ट है, नायोबियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d4 5s1 है। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूं, आप एग्जाम देने जाएं उससे पहले क्रोमियम देखें, क्रोमियम में d4 का d5 होता है, कॉपर देखें d9 का d10 होता है, निकल वाली सीरीज में पैलेडियम देखें d8 का d10 होता है, प्लेटिनम देखें d8 का d9 होता है, नायोबियम देखें d3 का d4 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का डायरेक्ट एग्जांपल्स पूछा गया स्कूल लेक्चरर 2018 के अंदर। आपसे उन्होंने पूछा कि आप चुंबकीय आघूर्ण निकालें। अब यहां ज्यादातर अगर आप एग्जामिनर के क्वेश्चन देखेंगे, या तो वह आपसे डी ब्लॉक के तत्वों का चुंबकीय आघूर्ण पूछेगा या आपसे एफ ब्लॉक के तत्वों का चुंबकीय आघूर्ण पूछेगा। डी ब्लॉक के तत्वों का जब हम चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन दो तरह की गति करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में भी गति करता है उसे कहते हैं कक्षीय गति, और इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर भी घूमता है उसे कहते हैं चक्रण गति। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके अंदर चुंबकीय आघूर्ण जब हम ज्ञात करते हैं तो केवल चक्रण गति के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वही उसके अंदर इंक्लूड होता है। जबकि जो हम एफ ब्लॉक के लेंथेनाइड या एक्टिनाइड सीरीज के अंदर जब चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे तो उसके अंदर जब हम चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे तो उसके अंदर ना केवल चक्रण गति बल्कि कक्षीय गति का भी क्या होगा, योगदान होगा। अब यहां पर क्वेश्चन के अंदर हमसे मैंगनीज की बात की गई है, वो कहता है कि एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 25 है और उसका जलीय विलयन में उसका द्विसंयोजी आयन है जिसका आपको चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। यहां हमसे परमाणु क्रमांक 25 की बात की गई है और आपको पता है परमाणु क्रमांक 25 मैंगनीज का है और उसका द्विसंयोजी आयन आपका Mn+2 है। अब जनरली हम मैंगनीज का देखें तो विन्यास 25, हमें पता है आर्गन अभी अभी बताया 18, 4s2 20 और 3d5। यहां हमसे मैंगनीज का द्विसंयोजी आयन Mn+2 पूछा गया, 4s से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएंगे, 3d5 डी उपकोश आपको पता है 5d कक्षकों से मिलकर बनता है। हुंड के नियम के अनुसार यदि कोई उपकोश कई कक्षकों से मिलकर बना है तो उन कक्षकों की ऊर्जा बराबर होती है, जिनको समरस कक्षक कहते हैं। सबसे पहले सभी के अंदर समान चक्रण वाला एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, यही कारण है Mn+2 के अंदर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब हमसे पूछा गया है चुंबकीय आघूर्ण की गणना करनी है। अब आपको पता है यहां पर चुंबकीय आघूर्ण μs का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर जो गति करता है, स्पिन करता है, उसी का ही यहां इन्वॉल्वमेंट लेना है, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वही आपको इन्वॉल्व करना है। तो μs जो स्पिन के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण निकलता है उसका फॉर्मूला अंडरूट n n+2 है, और आप सबको पता है जो यूनिट होती है चुंबकीय आघूर्ण की वो बोर मैग्नेट्रॉन होती है। एन यहां युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है क्योंकि यहां 5 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर होगा अंडरूट 5 और 5+2, और आप सबको दिख रहा होगा ऐसा एक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। इसीलिए इसका आंसर यह गया कि जो परमाणु क्रमांक जो 25 है उसका चुंबकीय आघूर्ण निकालें। वापिस सुन लें,
चुंबकीय आघूर्ण निकालने के दो फॉर्मूले होंगे, एक अंडूड एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, ये फॉर्मूला टी ब्लॉक के तत्वों के लिए लगाया जाएगा। डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण जब आप निकालोगे तो उसके अंदर केवल और केवल कौन सी चक्रण गति का ही रोल इन्वॉल्वमेंट करोगे, और जब जब हम एफ ब्लॉक के तत्वों का चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे तो उनमें चक्रण गति के साथ कक्षीय गति का भी क्या लिया जाएगा, इन्वॉल्वमेंट लिया जाएगा, और वहां फॉर्मूला आएगा म्यू बराबर जी अंडूर जे जे प्लस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, टर्बियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। थोड़ा सा मैं आपको बार बार एक बात रिपीट कर देता हूं, जो लैंथेनाइट सीरीज के तत्व हैं परमाणु क्रमांक 58 से लेकर परमाणु क्रमांक 71 तक के तत्व, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जामिनर पूछता ही है। अभी तक के पुराने ट्रेंड में यूरोपियम, गैडोलिनियम और टर्बियम पूछा गया है। यूरोपियम 63 नंबर है, गैडोलिनियम का परमाणु क्रमांक 64 है और टर्बियम का 65 है। हमसे पूछा गया टर्बियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अब जो टर्बियम है इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 65 है। अपने दिमाग में रखें कि यदि मुझे परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 तक का कोई भी तत्व दे दिया जाए तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का क्या तरीका। ऐसी स्थिति में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जीनोन में जाएगा, जीनोन का परमाणु क्रमांक 54 है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन 6s में जाते हैं और इसके बाद इलेक्ट्रॉन 4f में जाते हैं। और एक्सेप्शनली कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें 6s के बाद पहले एक इलेक्ट्रॉन 5d में और फिर 4f में चला जाता है, और ऐसा चार एलिमेंट होते हैं, एक तो लैंथेनम में, एक सीरियम में, एक गैडोलिनियम में और एक ल्यूटिशियम, यानी 57 में, 58 में, 64 में और 71। ये चार एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें 6s2 के बाद एक इलेक्ट्रॉन 5d1 में और फिर किस में आता है, 4f में आता है। अब हमसे पूछा गया टर्बियम, टर्बियम का परमाणु क्रमांक 65, आप सबसे पहले लिख देंगे जीनोन, जीनोन लिखते ही आपको पता है आपने 54 इलेक्ट्रॉन भर दिए, जीनोन के बाद दो इलेक्ट्रॉन 6s में जाएंगे, 54 और दो कितना हो गया 56, 54 और दो कितना हो गया 56, फिर इलेक्ट्रॉन 4f में जाएंगे। टर्बियम आवबाउ नियम का पालन करता है, आवबाउ नियम का उल्लंघन नहीं करता, तो 6s2 के बाद इलेक्ट्रॉन 4f में जाएंगे, 54 और दो 56, 4f9, 56 और नौ कितना हो गया 65 हो गया, तो इसका मतलब यह है कि इसका आंसर किया जाएगा। अब सपोज करो मुझे, मेरी स्थिति ऐसी होती कि मुझे यह भी नहीं पता होता, कि सिर्फ मुझे यह पता होता कि टर्बियम का परमाणु क्रमांक 65 है। अब मैं इसको ऑप्शन से ही इस आंसर को सॉल्व करता तो देखो कैसे होल करता। मुझे यह पता है कि जीनोन का परमाणु क्रमांक 54, यहां 54, दो 56, एक 57 और 7 64, इसमें तो 64 इलेक्ट्रॉन भरे हैं जबकि मुझे भरने कितने हैं 65, तो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत। जीनोन 54, 54 और दो 56, 56 और 7 63, मुझे पता चल गया ये भी गलत है, ये तो 63 वाले का है। 54 दो 56, 56 और 14, 56 और 14 70, ये भी नहीं होगा, इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपके क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, निम्न में से किस लैंथेनाइड के अंदर F14 विन्यास है। F14 विन्यास पूछा गया। अब आप सबको पता होना चाहिए लैंथेनम परमाणु क्रमांक 57, सीरियम 58, इटर्बियम परमाणु क्रमांक 70। लैंथेनम में मैंने कहा, अभी अभी बताया था, 57 से 71 जब भी भरने हो तो पहले जीनोन, 54, 6s2, 56, इसमें 5d में एक, 57, 4f0, ठीक है, सीरियम 54, 256, 157, 158, इटर्बियम 54, 256,
डी में जीरो, फोर एफ में 40, 70। ये कुछ एलिमेंट आपको ध्यान रखने हैं। लैंथेनम डी वन होता है, सीरियम में डी वन में जाता है, गैडोलिनियम में भी डी वन में रहता है, और जो लास्ट ही लास्ट का हमारा ल्यूटीशियम है उसमें भी डी वन में रहता है। यहां मुझसे कहा गया है लैंथेनम प्लस थ्री, तो मैं तीन इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, दो इलेक्ट्रॉन 6s में से, एक 5d में से, एफ जीरो विन्यास। यहां यह बात याद रखनी है कि जो लैंथेनम प्लस थ्री है वो अनुचुंबकीय होता है। अब आप सबको पता है कि जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जीरो हो वो अनुचुंबकीय ना होकर प्रतिचुंबकीय होते हैं। लैंथेनम प्लस थ्री में एफ जीरो विन्यास है, और जिन आयनों के अंदर एफ जीरो या एफ 14 विन्यास होता है वो प्रतिचुंबकीय होंगे, तो लैंथेनम प्लस थ्री प्रतिचुंबकीय है। दूसरा ऑप्शन सीरियम प्लस फोर है, दो 6s, एक डी वन, सीरियम प्लस फोर, यह भी आपका प्रतिचुंबकीय हो, एफ जीरो विन्यास। इटर्बियम के बाद की बात करें तो इटर्बियम प्लस टू, एफ 14 विन्यास है, आंसर फोर्थ होगा, इटर्बियम प्लस टू, एफ 14 विन्यास, अतः यह भी कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। वे धातु आयन या वे एफ ब्लॉक के धातु आयन जिनमें एफ 1 से लेकर एफ 13 तक का विन्यास होता है वो अनुचुंबकीय होते हैं, और जिनमें एफ 0 और एफ 14 विन्यास होता है वो प्रतिचुंबकीय होते हैं, क्योंकि इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जीरो होती है। लैंथेनम प्लस थ्री प्रतिचुंबकीय है, सीरियम प्लस फोर प्रतिचुंबकीय है, इटर्बियम प्लस थ्री, इटर्बियम प्लस टू प्रतिचुंबकीय है, और इटर्बियम प्लस थ्री एक और जाएगा एफ 13 विन्यास, हमसे एफ 14 पूछा है। अगला क्वेश्चन मिश मेटल पर है, कई बार एग्जामिनर ने अलग अलग तरीके से पूछा। सेकेंड ग्रेड में तो यह क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि निम्न में से मिश मेटल कौन से ब्लॉक के तत्व बनाते हैं, तो आंसर था एफ ब्लॉक। याद रखें मिश्र धातु नहीं है, मिश मेटल है। ये जो मिश मेटल है, मिश धातु, नाम से ही पता चल रहा है मिश यानी कई चीजें मिली हुई होंगी, इसके अंदर 95% लैंथेनाइट धातु होती है, 5% आयरन है, और अल्प मात्रा में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम ये भी होता है। पूछा गया कि मिश धातु में 95% क्या है। पहली बात, मिश मेटल एफ ब्लॉक का एक कैरेक्टर है, एफ ब्लॉक के अंदर जो लैंथेनाइट सीरीज की मेटल्स है वो मिश मेटल बनाती हैं। इसके अंदर मेनली लैंथेनाइट सीरीज की मेटल्स होती हैं, और उसमें भी सीरियम मैक्सिमम मात्रा में लगभग 40% होती है। पूछा गया कि मिश मेटल के अंदर 95% कौन सी धातुएं होती हैं, तो आंसर गया लैंथेनाइट धातु, कि मिश धातुओं के अंदर 95% आपकी लैंथेनाइट धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिनाइट सीरीज से पूछा गया, निम्नलिखित में से वो कौन सा तत्व है जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। यह क्वेश्चन ध्यान रखें, एक्टिनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, और यह दो बार क्वेश्चन पूछा गया। एक बार यह कॉलेज लेक्चर 2016 में पूछा गया कि एक्टिनाइट सीरीज के वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। आंसर था नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, प्लूटो से याद करें प्लूटोनियम और नेपच्यूनियम, ये दो एलिमेंट हैं जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ध्यान रखें एफ ब्लॉक के अंदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, यही कारण है कि उसको ग्रुप संख्या 3 में रखा जाता है, वर्ग संख्या 3 में या थर्ड बी में रखा जाता है, क्योंकि उसके अंदर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। चाहे लैंथेनाइड हो या एक्टिनाइड हो, दोनों में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, लेकिन एक्टिनाइड के अंदर एक्टिनाइड में +3 के अलावा नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक पाई जाती है। हम बात करें थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम,
90, इसका परमाणु क्रमांक 91, 92, 93, 94। थोरियम के अंदर प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्रोटेक्टिनियम में प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5 है, यूरेनियम में प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6 है, और नेपच्यूनियम में प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6 और प्लस 7। इसी तरह प्लूटोनियम में भी प्लस 7। ध्यान रखना है परमाणु क्रमांक 93, परमाणु क्रमांक 94 में नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम में प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। पूछा गया किसके अंदर प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, आंसर गया नेपच्यूनियम। थोरियम में प्लस 4 तक है, प्रोटेक्टिनियम में प्लस 5 तक है, यूरेनियम में प्लस 6 तक है, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम में प्लस 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, निम्नलिखित में से कौन सा आयन प्रबल ऑक्सीकारक है? सीरियम प्लस 4, यूरोपियम प्लस 2, इटरबियम प्लस 2 या सभी? अभी अभी मैंने कहा कि जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 होती है, लेकिन लैंथेनाइट सीरीज के अंदर कुछ तत्व ऐसे हैं जो प्लस 3 के अलावा प्लस 4 और प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। जैसे हम बात करें सीरियम की, सीरियम अभी भी कहा परमाणु क्रमांक 58, विन्यास जीनोन 54, 6s2 56, 5d1 57 और 4f1 58। सीरियम जनरली प्लस 3 दिखाता है, लेकिन प्लस 3 के अलावा प्लस 4 इसीलिए दिखाता है क्योंकि इसके अंदर F0 विन्यास आ जाता है या ये अक्रिय गैस जैसा विन्यास धारण कर लेता है। यही कारण है कि सीरियम के अंदर, यही कारण है कि सीरियम में प्लस 3 के अलावा प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पाई जाती है। इसी तरीके से अगर हम यूरोपियम की बात करें, यूरोपियम 63 परमाणु क्रमांक होता है, जीनोन 54, 256 और 763 प्लस 2। यूरोपियम प्लस 3 के अलावा प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसीलिए दिखाता है क्योंकि जो यूरोपियम है वो प्लस 3 के अलावा प्लस 2 इसीलिए दिखाता है क्योंकि इसको यहां F7 विन्यास मिल जाता है, और सीरियम प्लस 3 के अलावा प्लस 4 इसीलिए दिखाता है क्योंकि इसको यहां F0 विन्यास मिल जाता है। इसी तरीके से अगर हम इटरबियम की बात करें, इटरबियम प्लस 2 की, इटरबियम प्लस 2 इसीलिए दिखाता है क्योंकि इसके अंदर F14 विन्यास प्राप्त। जनरली F ब्लॉक के धातु आयन में प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त होता है, F7 विन्यास प्राप्त होता है, F14 विन्यास प्राप्त होता है, इस कारण ये प्लस 3 के अलावा प्लस 4 और प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि इनके अंदर जो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो प्लस 3 ही होती है। जब सीरियम प्लस 4 बना भी लेता है तो वो अपने आप को प्लस 3 में कन्वर्ट करता है, यूरोपियम और इटरबियम प्लस 2 बना भी लेते हैं तो वो प्लस 3 में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि प्लस 2, प्लस 3 और प्लस 4 के अंदर जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इनके अंदर प्लस 3 ही होती है। अब क्या होता है, जो सीरियम प्लस 4 है, अभी अभी मैंने कहा सीरियम प्लस 4 यह कन्वर्ट होता है सीरियम प्लस 3। यहां अगर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, यूरोपियम प्लस 2 कन्वर्ट होगा यूरोपियम प्लस 3 में, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि। ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं, खुद का अपचयन करते हैं। अपचायक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो दूसरे का अपचयन करते हैं, खुद का ऑक्सीकरण करते हैं। मोटी मोटी बात करें तो जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है वो अपचायक पदार्थ होते हैं, और जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है वो ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। सीरियम प्लस 4 से प्लस 3 में बदल रहा है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, अतः यह ऑक्सीकारक का काम करेगा। जबकि यूरोपियम प्लस 2 और इटरबियम प्लस 2 प्लस 3 में बदल रहे हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है,
तो अपचायक का काम करेगा। यही कारण है कि सीरियम प्लस फोर प्रबल ऑक्सीकारक होता है, क्योंकि ये प्लस फोर से किसके अंदर कन्वर्ट होता है, प्लस थ्री में, इसीलिए प्रबल ऑक्सीकारक है। जबकि यूरोपियम प्लस टू और इटरबियम प्लस टू ऑक्सीकारक नहीं है, बल्कि क्या है, अपचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लैंथेनाइट संकुचन का। एग्जामिनर ने कई बार पूछा लैंथेनाइट संकुचन का परिणाम क्या है। अब आप सबने पढ़ा भी होगा लैंथेनाइट संकुचन क्या होता है। लैंथेनम प्लस थ्री से लुटीशियम प्लस थ्री तक जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, आकार में लगातार कमी होती है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं। लैंथेनाइट संकुचन के परिणामों में पहला परिणाम यह रहता है कि 4D संक्रमण श्रृंखला और 5D संक्रमण श्रृंखला के तत्वों का परमाणविक आकार लगभग लगभग समान हो जाता है लैंथेनाइट संकुचन के कारण। अब हमें पता है ग्रुप नंबर तीन, ग्रुप नंबर चार, ग्रुप नंबर पांच और ग्रुप नंबर छह, इसको ग्रुप संख्या थर्ड बी, इसको फोर्थ बी, इसको फिफ्थ बी और इसको सिक्स्थ बी। हमें पता है कि जो वर्ग संख्या तीन से लेकर वर्ग संख्या बारह तक डी ब्लॉक के तत्व आते हैं। ग्रुप संख्या तीन में आता है स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम। इसका परमाणु क्रमांक 21, 39, 57। ग्रुप नंबर चार में टीजर हाफ, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम। टाइटेनियम 22, जिरकोनियम 40, हैफनियम 72। वो नबाब था, वेनेडियम 23, नायोबियम 41, टेंटेलम 73। कॉमा में वो क्रोमियम, मॉलिब्लेडेनम, वोल्फ्रेम 24, 42 और 74। अब हमें पता है वर्गों में जनरली क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ती है, इसीलिए आकार बढ़ता है। तो ग्रुप नंबर थ्री में तो आकार का यही क्रम होता है। ये 3D संक्रमण श्रृंखला है, ये 4D संक्रमण श्रृंखला है, ये 5D संक्रमण श्रृंखला है। टाइटेनियम से बड़ी साइज जिरकोनियम की, वैनेडियम से नायोबियम की, क्रोमियम से मोलिब्लेडेनम की, जिरकोनियम और हैफनियम की साइज बराबर, समझ में आ गया होगा लैंथेनाइट संकुचन का परिणाम। नायोबियम और टेंटेलम की साइज बराबर, समझ में आ गया होगा लैंथेनाइट संकुचन का परिणाम। मोलिब्लेडेनम और वोल्फ्रेम की साइज बराबर, समझ में आ गया होगा लैंथेनाइट संकुचन का परिणाम। लैंथेनाइट संकुचन के परिणाम के कारण जिरकोनियम हैफनियम समान है, नायोबियम टेंटेलम समान है, मोलिब्लेडेनम वोल्फ्रेम समान है, इट्रियम और प्लेटिनम की साइज तो बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि इट्रियम कहां और प्लेटिनम निकल वाली सीरीज में आता है, इट्रियम ग्रुप तीन में है, प्लेटिनम निकल वाली सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी मैंने आपसे कहा कि चुंबकीय आघूर्ण निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला म्यू बराबर अंडू डायन एन प्लस टू बोर मैग्नेटो। यह फॉर्मूला चुंबकीय आघूर्ण के लिए लगाया जाता है, किसके लिए, संक्रमण तत्वों के लिए या डी ब्लॉक के तत्वों के लिए, क्योंकि उनके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसके अंदर एक ही चीज पार्टिसिपेट करती है और वो होती है इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। जो लैंथेनाइट सीरीज के तत्व होते हैं, लैंथेनाइट सीरीज के जो तत्व होते हैं उनके अंदर जब हम चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं तो चक्रण गति के साथ कक्षीय गति का भी योगदान आता है। जो एफ कक्षक है उसकी आकृति जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होने के कारण न केवल चक्रण गति का योगदान होता है बल्कि कक्षीय गति का भी योगदान होता है, और उनके अंदर चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला म्यू बराबर जी अंडरूट जे जे प्लस वन होता है। ये वाला क्वेश्चन स्कूल लेक्चर 2018 में भी आया और स्कूल लेक्चर 2020 में भी आया। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये कहता है लैंथेनाइड में चक्रण योगदान S और कक्षीय योगदान L को एक साथ जोड़ने पर एक नई क्वांटम संख्या J प्राप्त होती है। अगर कोश F कक्षक जो है, F कोश जो है या F उपकोश है, अगर वो आधे से कम भरा हो तो ये जो J है
इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एल माइनस एस। और यदि कक्षक आधे से ज्यादा भरे होते हैं तो फॉर्मूला ये जो जे है वो एल प्लस एस होता है। स्कूल लेक्चर 2018 में ये पूछा गया कि अगर कक्षक आधे से कम भरे हैं तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, जे बराबर एल माइनस एस लगाएंगे। और ये कि क्वेश्चन इस साल फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, अगर कक्षक आधे से भरे ज्यादा भरे हो तो ये जे बराबर क्या होता है, तो एल प्लस एस होता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, पूरा डिटेल में जाना पड़ता है लेकिन अभी के हिसाब से आप इतना सा याद रख लें। जो यूरोपियम है जिसका परमाणु क्रमांक 63 होता है, उसकी जो प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके अंदर उसका लो टेम्परेचर पर जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है वो जीरो निकलता है, वो जीरो निकलता है। ध्यान रख लें कि यूरोपियम प्लस 3 परमाणु क्रमांक 63, लो टेम्परेचर पर इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो उसका मान जीरो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन संकुल यौगिकों से संबंधित है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से संबंधित है। वैसे तो एफ ब्लॉक के बहुत ज्यादा कोई संकुल यौगिक नहीं होते और ना हमारी कोई बीएससी की बुक्स में ज्यादा दिखा रखा है इनके बारे में। यहां एक सीरियम का एक कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां सीरियम प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सीरियम पर मुझे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो सीरियम का सीरियम पर माना ऑक्सीकरण अंक एक्स, नाइट्रेट पर आपको पता होता है -1 होता है, 6 नाइट्रेट है तो -6, बीज गणितीय योग क्या होता है -2, तो x बराबर क्या +4। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां सीरियम पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4, यहां सीरियम +4 है और इसके साथ 6 नाइट्रेट है और नाइट्रेट यहां पर लिगेंड का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं जो नाइट्रेट है वो यहां पर बाइडेंटेड लिगेंड का काम करता है, द्विदंतुक लिगेंड का काम करता है, यानी एक नाइट्रेट सीरियम प्लस 4 के साथ दो उपसहसंयोजक बंध बनाता है, क्योंकि यहां 6 नाइट्रेट है तो 6 × 12 टोटल यहां 12 उपसहसंयोजक बंध बनेंगे, इसीलिए उपसहसंयोजन संख्या 12 निकलेगी। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि सीरियम का एक कॉम्प्लेक्स है, यह इसका समन्वयी क्षेत्र है और यहां सीरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सीरियम की उपसहसंयोजन संख्या क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, उपसहसंयोजन संख्या का मतलब क्या है, कि जो समन्वयी क्षेत्र है उसमें धातु आयन और लिगेंड के बीच में टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं, वही चीज आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। नाइट्रेट आयन सीरियम प्लस 4 के साथ बाइडेंटेड लिगेंड का काम करता है, द्विदंतुक लिगेंड का काम करता है, एक नाइट्रेट आयन दो उपसहसंयोजक बंध बनाता है तो टोटल 6 है, तो कितना हो जाएगा समन्वयी संख्या 12। और जब जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के अंदर मेटल आयन की जब समन्वयी संख्या 12 होती है तो ऐसे संकुल की जो ज्यामिति है या संकुल की आकृति है वो 20 फलकीय, जिसे आइकोसहेड्रल कहा जाता है, वो होती है, इसीलिए इसका आंसर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे एक्टिनाइड सीरीज का कॉम्प्लेक्स पूछा, थोरियम का कॉम्प्लेक्स पूछा। ध्यान से देखेंगे तो मैग्नीशियम प्लस 2 है, एक नाइट्रेट पर -1 तो 6 नाइट्रेट पर -6, ये उदासीन तभी होगा जब थोरियम पर +4 होगा। यहां थोरियम +4 है, ये इसका ये वाला क्षेत्र समन्वयी क्षेत्र है, नाइट्रेट लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के साथ बाइडेंटेड लिगेंड का काम कर रहा है, एक बाइडेंटेड लिगेंड दो उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, 6 × 2 कितने बनेंगे 12, और जब समन्वयी संख्या 12 होगी तो ऐसे अणु की आकृति अभी भी मैंने कहा था आइकोसहेड्रल होगी या बिसफलकीय होगी, इसीलिए आंसर बिसफलकीय कहा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 12 निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियम 63 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया, कॉलेज लेक्चरर के अंदर क्वेश्चन आया कि साहब आप यूरोपियम 63 जिसका परमाणु क्रमांक 63 है उसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं। अभी अभी मैंने तरीका बताया था, 57 से 71 का तरीका, पहले जीनोन, देन 6s, देन 4f और देन 5। ऑप्शंस की मदद से कोशिश करते हैं आंसर को सही करने की। टोटल मुझे 63 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहला ऑप्शन जीनोन 54 और 2 56 और 6 62, गलत हो गया, 63 भरने हैं, 54, 2 56 और 6 62।
तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 54, 256, 157 और 764। गलत हो गया, 63 बन रहा है। 54, 55, 55 और 8, 54, 55, 55 और 8, 63। तो एक तो ये हो सकता है और एक ये हो सकता है, 54 और 256 और 763। अब अगर अपन देखें तो यूरोपियम 63, जीनॉन 54 भरेंगे, 6s2 56 भरेंगे और 4f7। ध्यान रखें 4f7 6s2 इसका आंसर होगा। एग्जामिनर यूरोपियम सेकंड ग्रेड में भी पूछ चुका है, पॉली लेक्चर 2016 में भी पूछ चुका है और हो सकता है यही क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाए। यूरोपियम F7 6s2 है, अभी भी बताया था कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यूरोपियम +2 भी बनाता है, F7 विन्यास प्राप्त हो जाता है, आधा भरा हुआ कक्षक अर्धपूरित स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाता है, इसीलिए यूरोपियम +3 के अलावा +2 बनाता है, +3 स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, इसीलिए यूरोपियम +3 अब चैक की भांति काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी इसी क्वेश्चन को मैंने पहले भी बताया था कि एक्टिनाइड के अंदर जनरली लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, लैंथेनाइड सीरीज में +3 के अलावा +2 और +4 मिलती है, लेकिन एक्टिनाइड में +3 के अलावा +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। अभी अभी बताया था परमाणु क्रमांक 93 और 94 नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम एक्टिनाइड सीरीज के मेंबर है, 90 से 103 एक्टिनाइड सीरीज के मेंबर है, जिनमें नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम दो एलिमेंट ऐसे हैं जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, इसीलिए इसका आंसर सेकंड गया कि एक्टिनाइड में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करने वाले कौन है, आंसर गया नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि जो लैंथेनाइड सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं इनका जब हम चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला म्यू बराबर अंडूड एन एन प्लस वन नहीं लगता, बल्कि फॉर्मूला लगता है म्यू बराबर जी अंडूड जे जे प्लस वन। जे का मान अगर कक्षक आधे से कम भरे हैं तो एल माइनस एस, और कक्षक आधे से ज्यादा भरे हैं तो एल प्लस एस लगता है। अभी भी बताया था कि जो लैंथेनाइड जो आयंस है इनका जब हम चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन की ना केवल चक्रण गति बल्कि उसके अंदर कक्षीय गति का भी योगदान होता है, और एक नई क्वांटम संख्या जे के रूप में आंसर को बताया जाता है। और अभी भी मैंने कहा इसका आंसर म्यू बराबर जो निकलता है वो निकलता है जी अंडरूट जे जे प्लस वन, इसीलिए इसका जो आंसर है वो थर्ड गया, म्यू बराबर जी अंडरूट जे जे प्लस वन। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरे क्वेश्चंस की श्रृंखला अच्छी लग रही होगी, और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन ना केवल ACF की दृष्टि से बल्कि ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी कॉम्पिटेटिव दृष्टि से अच्छे हैं। अगर आप कोई भी ऐसा कंपटीशन दे रहे हैं जिसके अंदर केमिस्ट्री आ रही है तो आप इन जरूर इन क्वेश्चंस को देखें और ये आपको जरूर फायदा देंगे। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट हम आगे फिर क्वेश्चंस की श्रृंखला चालू करेंगे। थैंक यू आज।